दोस्तों, ऑर्गेनिक गार्डन में आपका स्वागत है। ये देखिए, ये रतालू की बेल है। ये बहुत रेयर बेल है, इसको एयर पोटैटो की बोलते हैं। और ये बहुत ही कम जगहों पे देखने को मिलती है। इसका पत्ता एकदम पान के शेप का होता है। कुछ लोग मुझसे पूछते हैं कि ये क्या पान की बेल है। मैंने कहा नहीं, ये रतालू है, ये यम फैमिली की है। इसकी जड़ में ये देखिए, एक इस गमले में भी है और एक इस गमले में है। ये बहुत ही आसानी से उगती है। इसमें जो कंद होते हैं, इसका एक कंद तोड़ के मिट्टी में दबा देते हैं। अगर मार्च अप्रैल में ये देखिए, इस तरह से कंद रखते हैं उसमें, ये इस तरह के कंद रखते हैं। एक छोटा सा भी कंद अगर आप मिट्टी में दबा दो तो इसकी बेल फैल जाती है। और अच्छे से खाद डालते हैं तो इसकी ग्रोथ बहुत अच्छी होती है। इसके बहुत बड़े बड़े छोटे छोटे पत्ते आते हैं। ये देखिए कितना चौड़ा पत्ता है इसका, इससे भी बड़े बड़े पत्ते थे इसके। अब धूप में थोड़ा तेज़ धूप होने लगी है तो इसके पत्ते थोड़े मुरझाने लगे हैं। ये देखिए, इसमें बहुत सारे कंद लगे हुए थे, कुछ मैंने रख लिया तोड़ के। ये इस तरह से कंद लगते हैं इसमें बड़े बड़े। अब ये इस तरीके से फ्लावरिंग होती है। ये देखिए, इसमें मिली बग का अटैक भी हो गया है, जिस वजह से इसकी ग्रोथ फिर थोड़ी रुक गई। ये देखिए, इसमें इस तरह के कंद लगते हैं। ये कंद अगर आप मिट्टी में दबा दो तो यहाँ से फटा होके इसकी बेलें चलने लग शुरू हो जाती हैं। मार्च अप्रैल में इसकी ग्रोथ होने शुरू होती है और नवंबर दिसंबर तक आते आते इसकी बेल सूख जाती है। इसकी सब्ज़ी बहुत फायदेमंद होती है। इसमें कैल्शियम, पोटेशियम, प्रोटीन काफ़ी मात्रा में होता है। गर्भवती महिलाओं के लिए इसकी सब्ज़ी नुकसानदायक है, उनको ये सब्ज़ी नहीं खानी चाहिए। लेकिन बाकी सब लोग इसकी सब्ज़ी को खा सकते हैं। ये जिमीकंद की तरह दिखती है। इसकी जड़ में जो मिट्टी खोदने के बाद निकलती है, गमले में तो थोड़ा छोटा रहता है, लेकिन अगर ज़मीन में इसका पौधा लगाएं तो ये बहुत बड़ा जिमीकंद जैसा एक बन जाता है इसका नीचे, और ऊपर ये बेल के ऊपर इस तरह से इसमें पोटैटोज़ बनते हैं। इनकी भी सब्ज़ी बना के खाई जाती है, बॉयल करके फिर इनकी सब्ज़ी बना सकते हैं अपनी पसंद से। ये देखिए, इसमें काफ़ी सारे लगे हुए हैं, कुछ मैंने तोड़ लिए भी हैं। एक गमले, एक इस आंवले के गमले में भी है ये। इसमें मेरे तीन प्लांट हैं, देखिए, एक हल्दी का है, एक ये रतालू का है और ये आंवले का है। ये आंवले की बेल ऊपर चढ़ गई है। ये देखिए कितना बुरी अच्छे से फैल गई है, लिपट के पूरा। और एक और हल्दी का मेरा प्लांट है गमला, इसमें देखिए ये हल्दी कितनी अच्छे से फैल गई है। हल्दी का मेरा पहली बार हुआ है ये प्लांट, इसमें से एक ही हल्दी में से तीन प्लांट निकल गए हैं। ये देखिए, इसमें एक इसमें ये रतालू का, इसकी भी अच्छी बड़ी फैल गई है बेल। इसमें भी लगे हुए हैं रतालू।